देख रहे इंडिया न्यूज, मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस संग्रहालय में सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज से जुड़ी चीजों को प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में यादें जलियां और 1857 की क्रांति पर आधारित संग्रहालय भी जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस की आज 122वीं जयंती है, इस मौके पर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस की बड़ी बड़ी तस्वीरें इस संग्रहालय में मौजूद हैं। आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज, वो चीजें, उनको यहां संग्रहालय में रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर जाकर सुभाष चंद्र बोस के संग्रहालय का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर में यादें जलियां और 1857 की क्रांति पर आधारित संग्रहालय भी जाएंगे। आप देख सकते हैं पूरे संग्रहालय में खुद घूम रहे हैं प्रधानमंत्री। सरदार पटेल की प्रतिमा की अनावरण के लिए जब गए थे प्रधानमंत्री, उस समय भी जो संग्रहालय बनाया गया था वो खुद पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं हर चीज में, जो वहां पर अधिकारी हैं उनको समझाते हुए पूरी दिलचस्पी के साथ एक एक चीज को देखते हैं प्रधानमंत्री, खुद जायजा लेते हैं। यादें जलिया भी जाएंगे अब से कुछ देर बाद। सुभाष चंद्र बोस की आज 122वीं जयंती है, उसी मौके पर एक बड़ा उपहार उद्घाटन किया है संग्रहालय का। इस संग्रहालय में सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज से जुड़ी चीजों को प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री थोड़ी देर में यादें जलियां और 1857 की क्रांति पर आधारित संग्रहालय भी जाएंगे। बहुत नायाब तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी फ्रेम में सुभाष चंद्र बोस की। आजाद हिंद फौज आजादी में जिसका अहम योगदान है, उससे जुड़े हुए सारे दस्तावेज और जो भी सामान सरकार के पास है उसको इस संग्रहालय में रखा गया है। प्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आजादी की जो लड़ाई थी उसमें सुभाष चंद्र बोस के बलिदान को भूला नहीं जा सकता और उसी बलिदान को आज भारत सरकार नमन कर रही है 122वीं जयंती पर। देश को सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अमानवीय व्यवहार, निर्दोष लोगों के ऊपर गोली चलाकर, निहत्थे लोगों पर गोली चलाकर उन्हें मारना, पूरे विश्व में जो अंग्रेज शासन की जो हम कह सकते हैं कि जो निंदा हुई, संभवतः उन्हें इसके लिए कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। और जलियांवाला बाग वो एक घटना थी जिसमें अरुणम जानते हैं कि एक बालक ने उस समय इस घटना को देखने के बाद अपने मन में ठान लिया था। शहीद उधम सिंह, जिनका कि हम पूरे इतिहास में उनके बारे में पढ़ते हैं, कि उन्होंने कहा था कि मैं डायर को मारूंगा, और उस बच्चे ने जाके वो लंदन में जाके प्रण करके अपना उसको साकार करने की कोशिश की थी। और इस समय हम देख पा रहे हैं अरुण, ये जो रिप्लिका है ये जलियांवाला बाग का, वो जो दृश्य है जहां पर शहीदों के नाम, जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे, उनके नाम को उकेरा गया है, उनके नाम को यहां पर दीवारों पर अंकित किया गया है। ये वो शहीद हैं जिनका कोई दोष नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ भारत के बारे में सोच रहे थे, अपने मुल्क के बारे में सोच रहे थे। और उनको अनाथ लोगों पर एक तरीके से ऐसा जो वज्रपात किया गया, एक ऐसे शासक के द्वारा जिसने कभी भी किसी भी हालत में अपने आप को लोगों के लिए नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती के अवसर पर लाल किले पर सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। इस संग्रहालय में सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज से जुड़ी चीजों को प्रदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री को आप इस समय तस्वीरों में देख सकते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट वो हर चीज में लेते हैं। और वहां पर प्रेजेंटेशन दिया गया सुभाष चंद्र बोस पर, आजादी की लड़ाई पर।